बच्चा सही नहीं है, आम भी हर पूरी स्टेट का जो होगा एवरेज देखा जाएगा, वो उसको कहाँ पे कंपेयर किया जाएगा नेशनल लेवल के एवरेज के साथ। लास्ट ईयर जो लास्ट सर्वे हुआ था 217 में हुआ था, ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे जब क्लास फोर का, फिफ्थ का और क्लास एट का हुआ था। जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे नेशनल लेवल का एवरेज था वो था 38 नेशनल लेवल, हमारी जम्मू कश्मीर का शेर था कहाँ का थर्ड क्लास का वो था 35। और प्राउड की बात है कि हमारे शेर के बच्चों ने थर्ड क्लास के बच्चों ने नेशनल लेवल के साथ, नेशनल लेवल होता है पूरी स्टेट जितनी भी है उनका एवरेज लेते हैं, और हमारी स्टेट का एवरेज जो 20 स्कूल ये जो है 20 स्कूल का एवरेज लेंगे वो एवरेज किसके साथ मैच होना चाहिए नेशनल लेवल के साथ, तभी हमारी स्टेट का जो है नाम होगा, तभी हम प्राउड से बात कर सकेंगे कि हमारी स्टेट जो है नेशनल लेवल के साथ, हमारा उनके साथ नेशनल लेवल से भी ऊँचा हो सकता है। नेशनल लेवल का जो एवरेज है हमारी स्टेट का उससे भी ऊँचा होना चाहिए, लेकिन तब हमने देखा कि जो फिफ्थ क्लास का था वो एवरेज उससे थोड़ा कम था नेशनल लेवल से जो थर्ड का था, और जो एट्थ क्लास का था वो सिक्स क्लास से भी थोड़ा एवरेज नेशनल लेवल से कम था। तो हमारा ग्राफ ऐसे है ऊपर से नीचे की तरफ, एज वी गो फ्रॉम लोअर क्लास टू थर्ड क्लास, यानी थर्ड से लेके जब हम एट्थ तक गए तो हमारा ग्राफ जो है थर्ड का जो एवरेज था वो नेशनल लेवल के पास था, फिर उससे थोड़ा कम हुआ, फिर उससे थोड़ा कम हुआ, तो हमारा एवरेज डाउन गया। उसके बाद 2018 में सर्वे हुआ नेशनल अचीवमेंट सर्वे 10th क्लास का, क्योंकि 17 में नहीं हुआ था 10th क्लास का, तो 10th क्लास में हमारे शेर के जो बच्चे थे बाकी सब्जेक्ट्स में तो उन्होंने ठीक किया, लेकिन बहुत ही दुख की बात थी कि मैथमेटिक्स में हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और सब शेर से नेशनल हमारा सर्वे डाउन रहा, हमारा जो है बिल्कुल ही डाउन रहा जो अचीवमेंट लेवल था, और हाइएस्ट किसका रहा अंडमान एंड निकोबार का मैथमेटिक्स में। तो आज हमने बच्चे सेलेक्ट किए हैं 45 के, वो बच्चे जो है अपनी शेयर का रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बच्चे बड़े ज्ञान से करना है, पेंसिल से मांगना सभी ने तो पेंसिल से ही आपको सर्कल करना है, आपको बताया जाएगा वहाँ पे डार्क सर्कल करने हैं, जैसे आप एक चीज में हो तो उसमें मल्टीपल चॉइस होती है, ऐसे इसमें मल्टीपल चॉइस होगी तो वैसे ही बड़े ध्यान से पढ़ के आपके चार पेपर होंगे, चारों बारी बारी आपको सिलेक्ट की जाएगी, तभी 10:30 बजे हम आपके 10:30 से बता देते हैं 11 से आपका पेपर होगा। इसी तरह उसके बच्चे आपका भी है, तो इस बार हमें क्या करना है बहुत ध्यान से जल्दी